हाय एवरीवन, सो इस वाली वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सेप्शन हैंडलिंग का, दैट इज थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड। ठीक है, सो देखते हैं कि ये दो कीवर्ड्स होते क्या हैं। एक कीवर्ड होता है थ्रो एंड एक कीवर्ड होता है थ्रोस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं थ्रो क्या होता है। ठीक है, सो अभी हमने कुछ देखा था क्या कि ना, जैसे मेरा एक्सेप्शन आया अभी इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में, हमने ऐसा कुछ किया था कि फन वन फन टू को कॉल कर रहा था, फन टू फन थ्री को कॉल कर रहा था, फन थ्री फन फोर को कॉल कर रहा था। यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन आया था, अगर मैंने किया था 2/0, इसने मेरा एक्सेप्शन लाया था। ठीक है, इसने कहा यार ये एक्सेप्शन है, बट ये एक्सेप्शन है, ये तो एक जनरल एक्सेप्शन है ना कि हाँ मेरा ऐसा एक्सेप्शन आ सकता है, तो मेरा एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अगर वो हैंडल्ड हो रखा है तो वो कैच के पास जाएगा, नहीं तो वो किसके पास जाता था, मेथड के पास जाता था। ठीक है, मैंने कहा यार एग्जैक्टली ऐसा कुछ हमने तब भी पढ़ा था, जैसे इंट डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये सब तो हमारे जनरल डेटा टाइप्स होते थे, बट फिर हमें यूज आया क्लास का। क्लास का यूज क्यों किया था हमने, क्योंकि हमारे को कुछ जेनरिक्स नहीं लेना था, मतलब जो इन्होंने जनरल दे रखे हैं वो नहीं लेना था, मेरे को खुद का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना था। फॉर एग्जाम्पल इंट एंड स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन लेना था, इंटीजर एंड स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन लेना था, तो मैंने क्लास जनरेट करी थी, क्लास का यूज करा एंड ये कॉम्बिनेशन बनाया। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, मेरे को ना एक्सेप्शन थ्रो कराना है, बट वो एक्सेप्शन ना जावा के अकॉर्डिंग जेनरिक नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ना वो जावा में लिखा हुआ है कि हाँ ऐसा कुछ एक्सेप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वोटिंग, कोई एक साइट है वोटिंग साइट, ठीक है, उस पर आपको लॉग इन के लिए कहते हैं वो, ठीक है, या फिर साइन अप के लिए कहते हैं, तो अगर आप साइन अप करते हो, ठीक है, एंड अगर आप वोट डालने जाते हो, तो वोट डालते टाइम फॉर एग्जांपल उसने पूछा आपसे आपका आपकी एज, ठीक है, वोट डालते टाइम उसने आपसे एज पूछी आपकी, आपने एज बताई 18, ठीक है, एक फॉर एग्जांपल आपने एज बताई 17, तो 17 एज में आप वोट नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे इसको एक एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए था। क्या एक्सेप्शन, ना यार तुम्हारी एज ना जो वोटिंग एज है उससे कम है, तो ये प्रोग्राम इस लाइन के आगे चलना ही नहीं चाहिए था। क्यों, क्योंकि 17 के जस्ट बाद कोई मतलब 18 से पहले पहले कोई पर्सन वोट नहीं कर सकता, जैसे ही 17 दिखा उसने कहा ये तो एक्सेप्शन है, ठीक है, ये तो वोट कर ही नहीं सकता, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि अगर एज लेस देन 17 है, एज लेस देन 17 आती है, मतलब ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे मेरे को एक्सेप्शन थ्रो करना है। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, मैंने यहाँ पे कब एक्सेप्शन थ्रो करा था, जब मेरा 2/0 आया था, बट ये 2/0 वाला एक्सेप्शन ना जावा ने लिख रखा है कि अगर कोई भी वेरिएबल है उसको डिवाइड बाय 0 कर रहे हो तो वो ना एरिथमेटिक एक्सेप्शन है। ठीक है, बट ये वाला एक्सेप्शन तो जावा ने लिख नहीं रखा, क्यों, ये तो हमने क्लास बनाई है। अगर इस टाइप के एक्सेप्शन हैंडल करने हैं तो हम यूज करते हैं थ्रो कीवर्ड का। यार यूजर डिफाइंड कर रहा है कि मैं अपना प्रोग्राम बना रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम में इस पॉइंट पे एक्सेप्शन आना चाहिए, मतलब इसको ये कहना चाहिए कि हाँ ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एंड एक्सेप्शन में कुछ और खास बात भी होती है जिसकी वजह से हम, देखो या तो हम रिटर्न कर सकते हैं कि यार रिटर्न कर जाओ, या तो हम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन के कुछ अपने फीचर्स होते हैं, रिटर्न के कुछ अपने फीचर्स होते हैं, तो एक्सेप्शन के फीचर्स रिटर्न से थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, कि प्रोग्राम टर्मिनेट कर देता है, वो स्टैक ट्रेस अपने आप बना देता है, किस टाइप का एरर है वो मैसेज, हम बस उसको मैसेज दे देते हैं, वो अपने आप प्रिंट कर देगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन रिटर्न कर देते हैं, हमें वो प्रोग्राम आगे चलाना ही है, एक्सेप्शन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड जो एक्सेप्शन होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, थ्रो कीवर्ड। ठीक है, देखो ये जो थ्रो कीवर्ड है, ठीक है, थ्रो कीवर्ड किस लिए यूज होएगा, ये यूज होएगा कि अगर हमें यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन थ्रो करानी है, जैसे किसी ने एज लेस देन 17-18 डाली तो वो एक एक्सेप्शन है, कोई एटीएम मशीन यूज कर रहा है उसने पिन गलत डाल दिया तो वो एक एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शंस हमारे को लिखने पड़ेंगे, वो जावा ने तो नहीं लिखा होगा एटीएम मशीन के लिए एक्सेप्शन कि यार अगर पिन गलत डाल रहे हो तो वो एक्सेप्शन दे दे, तो वो सब एक्सेप्शन हमें बनाने पड़ेंगे, उनके ऑब्जेक्ट्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, उनके मैसेजेस हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमारे को क्या कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, थ्रो कीवर्ड। ठीक है, एग्जांपल देख लिया था हमने
इसके बाद ना इसका लाइव एग्जांपल देखेंगे, कौन सा जो हम अभी तक उप्स में एक ही एग्जांपल से पूरी उप्स कंप्लीट हो गई है हमारी, कौन सा सिंगल स्टोरी फ्लैट एंड मल्टी स्टोरी फ्लैट। ठीक है, तो सिंगल स्टोरी फ्लैट का यूज करके हम अपना खुद का एक एक्सेप्शन बनाएंगे। ठीक है, उससे एक पॉइंट पहले बस ये देख लेते हैं कि थ्रोज कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, सो देखो इससे पहले वाली वीडियो में एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, फन वन फन टू, ठीक है, फन थ्री फन फोर फन फाइव, ऐसा कुछ है। फन फाइव में मान लो आया एक्सेप्शन, एंड मैं चाहता था अगर यहां पे एक्सेप्शन है ना तो ये मेथड्स ना चले। ठीक है, देखो अगर एक्सेप्शन आया मैंने कहा उसको हैंडल तो मैं करूंगा, बट मेरे को ना उन एक्सेप्शन को यहाँ हैंडल नहीं करना, मैं चाहता हूँ वो एक्सेप्शन मेरा फन टू में हैंडल हो। मतलब अगर फन फाइव में एक्सेप्शन आया तो ना तो फन फाइव चले, ना फन फोर चले, ना फन थ्री चले, कौन सा चलना चाहिए, फन टू चलना चाहिए। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को ना देखो फन फाइव में मैं एक्सेप्शन हैंडल नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं अगर फन फाइव फूटा तो उसको कोई सही ना करे, उसको फूटा रहने दे। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि ना फन फाइव में कि ना भाई ये एक्सेप्शन रिटर्न कर रहे हैं। फन फोर में एक्सेप्शन आ गया, मैंने कहा फन फोर में भी हैंडल नहीं करना। फन फोर क्या कहेगा फन थ्री को, भाई मैं तेरे को एक्सेप्शन दे रहा हूं, हो सकता है तेरे पास ये हैंडल हो रखा हो। फन थ्री फन टू को देगा, ये कहेगा यार मैं तेरे को एक्सेप्शन दे रहा हूँ, हो सकता है ये तेरे पास हैंडल हो रहा हो, मेरे पास तो नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे कर करके मैं फन टू पे गया एंड फन टू ने इसको कर रखा था हैंडल। ठीक है, तो इसका मोटिव क्या हुआ कि यार मेरा जो एरर आया ना तो मेरे को उसको यहाँ हैंडल करना था, ना तो यहाँ ना तो यहाँ, ठीक है मेरे को उसको हैंडल करना था यहाँ पे। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि यार मेरे को ना अपना जो एक्सेप्शन आया मेरे को ऊपर भेजना है, जो यहाँ पे एक्सेप्शन आया ऊपर भेजना है, जो यहाँ पे एक्सेप्शन है ऊपर भेजना है। तो ना मेरे को ना एक इंडिकेशन देनी पड़ती है, किस टाइप की इंडिकेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल फन टू फन फोर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है मान लेते हैं फन टू फन फोर को कॉल कर रहा है, या फिर फन टू फन थ्री को कॉल कर रहा है। ठीक है, फन थ्री ने कहा कि ना यार मेरे जो नीचे मेथड है ना उनमें ना कुछ कमी है, मेरे जो नीचे मेथड्स है ना उनमें कुछ कमी है, हो सकता है वो एक एक्सेप्शन दे दें, तो ना तुम तैयार रहना कि तुम उस एक्सेप्शन को हैंडल करो। दोबारा सुनो, फन थ्री के पास एक्सेप्शन आया, फन थ्री के पास एक्सेप्शन आया एंड फन थ्री को ना फन टू कॉल कर रहा था, तो ना फन थ्री ने फन टू को क्या कहा कि ना यार मेरे पास से ना तुम्हारे पास एक एक्सेप्शन आ सकता है, चांस है, अगर मेरा नीचे वाला मेरे को एक एक्सेप्शन देता है ना तो मैं वो एक्सेप्शन तुम्हें दे दूंगा, एंड वो एक्सेप्शन ना तुम्हें हैंडल करना होगा। ठीक है, फन टू ने क्या कहा, अच्छा तू मेरे को एक्सेप्शन दे सकता है, तो फन टू ना दो काम कर सकता है, या तो उसके पास एक फन थ्री ने एक उसको कहा कि ना ये ले ये एक्सेप्शन है, अब इसके साथ जो तेरे को करना है वो कर। फन टू क्या क्या कर सकता है, दो काम, या तो उसको करेगा हैंडल अपने पास, अगर अपने पास हैंडल नहीं करता तो क्या करेगा उसको एक्सेप्शन को वापस से ऊपर दे देगा। ठीक है, उसके पास एक बॉल आई, इसको ना बॉल की तरह सपोज करते हैं कि फन फाइव में ने एक एक्सेप्शन दिया, तो या तो इस बॉल को वो अपने पास रख ले किसी तरीके से, मतलब इसका काम खत्म हो जाए, या तो उस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दे कि मैं हैंडल नहीं कर रहा तू हैंडल कर, मैं हैंडल नहीं कर रहा तू हैंडल कर, मैं हैंडल नहीं कर रहा तू हैंडल कर। फन टू ने कहा ठीक है मैं हैंडल कर लेता हूँ। ठीक है, तो फन टू ने उसको कर लिया हैंडल। तो दो केस हो सकते हैं, अगर एक पर्सन के पास आता है एक्सेप्शन तो या तो वो उसको हैंडल कर सकता है या तो वो उसको थ्रो कर सकता है। अगर मेरे को इस केस को कंपलसरी बनाना है तो देखो फन थ्री क्या कर रहा है, फन थ्री ने एक इंडिकेशन दे रहा है कि यार मैं ना एक किसी तरीके का एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हूँ, तो फन थ्री पता है क्या करेगा, फन थ्री कहेगा थ्रोज थ्रोज एक्सेप्शन। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि ना यार फन थ्री एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो फन टू तू तैयार रहियो, या तो तू ट्राई कैच के साथ तैयार रहियो कि हैंडल कर ले, वरना तू थ्रोस के साथ तैयार रहियो कि मैं तेरे को बॉल दूंगा तेरे को कुछ ना कुछ तो करना है उसका, या तो तू उसको ट्राई कैच में हैंडल कर ले या फिर वापस से तू उसको ऊपर थ्रो कर दियो। ठीक है, देखो अब ना ऐसा हुआ क्यों, मतलब इसका यूज हमने किया क्योंकि नीचे हैंडल नहीं कर रहे ऊपर हैंडल कर रहे हैं, इसका मतलब मेन मोटिव हो गया क्या, वो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो मान लो कि ना फन टू में पता है क्या हुआ था, फन टू में ना आपका अकाउंट लॉग इन हो गया था, मान लो आप ना एटीएम में गए, आपको
विड्रॉ करने थे, कुछ अमाउंट आपको विड्रॉ करना था। आप एटीएम में गए, कुछ स्टेप्स में काम होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम आईडी डली, यहाँ पे आपका पासवर्ड डला, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, कि ना एक काम आपका यहाँ हुआ, एक काम आपका यहाँ हुआ, ठीक है। यहाँ होने के बाद ये काम देखो, यहाँ पे ना फॉर एग्जाम्पल आपका यूजर आईडी पासवर्ड डला, यहाँ पे आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड पूछा उसने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और प्रोसेसिंग करी, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, एंड फाइनली यहाँ पे ना उसने आपसे पिन कहा कि ना पिन डालो अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं। आपने ना पिन गलत डाल दी। अगर आपने पिन गलत डाली तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ना आपने पिन गलत डाली है, वो ना वापस चलता रहेगा। बट अभी एक बात ध्यान रखना, आपका अकाउंट ना लॉग इन हो रखा है, अभी लॉग आउट नहीं किया उसने। बिगर लॉग आउट करे वो वापस जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। इसका मतलब क्या है, अभी आपका अकाउंट खुला पड़ा है, इसका कोई और यूज कर सकता है। तो मान लो कि ना मैंने फंड टू में लॉग आउट का कोड लिख रखा था कि अगर नीचे से एक्सेप्शन आती है तो अकाउंट लॉग आउट कर दो, कि ना उसको पिन नहीं मालूम है, वो गलत पिन डाल रहा है, आप उसको लॉग आउट कर दो। तो ना मैंने कहा कि ना फन फोर कोई रिस्की कोड नहीं था, मत चलाओ, फन फोर कोई रिस्की कोड नहीं, फन थ्री कोई रिस्की कोड नहीं, बट अगर फन टू के पास एक्सेप्शन पहुंचता है, इसका मतलब क्या है, मैंने लॉग आउट का कोड कहाँ लिख रखा है, फन टू में। अगर फन टू में लॉग आउट का कोड लिख रखा है तो मेरे को वो चलाना पड़ेगा। अब मैं वो कैसे चला सकता हूँ, बाय यूजिंग ट्राई कैच, ठीक है। तो थ्रो का यूज क्या हुआ, थ्रो का यूज हुआ एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। थ्रो का काम क्या था, वो बॉल क्रिएट करेगा कि ये बॉल है, ठीक है। थ्रोज का काम क्या हुआ, वो एक इंडिकेशन देगा। क्या इंडिकेशन देगा, कि यार मेरे नीचे वाला पर्सन ना एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, मेरे को ना ध्यान रखना है, या तो मैं उसको हैंडल कर लूं, या तो कुछ और केस से, मतलब कि या तो मैं उसको हैंडल करूं या तो मैं उसको वापस से थ्रो कर दूं, ठीक है। तो एक बार ना इसका एग्जांपल देखते हैं, जो हमने सिंगल स्टोरी फ्लैट लिया था उसके थ्रू। देखो ये ना सिंगल स्टोरी फ्लैट है, इस फ्लैट का पासवर्ड समथिंग पेप कोडिंग है, ठीक है। इस फ्लैट का पासवर्ड, अगर किसी को इस फ्लैट का डोर ओपन करना है ना, उसको पेप कोडिंग पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। ये फंक्शन है, ये मैंने प्राइवेट बना रखा है ताकि कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए। ये मैंने एक फंक्शन बनाया चेक पासवर्ड, मतलब ये एक पासवर्ड लेगा एंड ये कहेगा कि ना यार ये पासवर्ड जो तुमने डाला है ये सही है या गलत है, ठीक है। नॉर्मल सा इतना काम, क्लाइंट पे आए तो मैंने ना अपने एस एस फ्लैट का ऑब्जेक्ट बनाया, ओबीजे इक्वल्स टू न्यू एस एस फ्लैट, ठीक है। अब मैंने कहा कि ना बुलियन, अगर देखो अब मैंने क्या कहा कि अगर जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके किसको कॉल कर रहा हूं मैं, उसके कॉल कर रहा हूं पासवर्ड, चेक पासवर्ड को। देखो मैंने यहाँ पे लिया एक अपना पासवर्ड, स्ट्रिंग माई पासवर्ड, जो मैं इसमें डालना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा हेलो, या फिर सब स्मॉल पेप कोडिंग, मैंने कहा जो मैं पासवर्ड देना चाहता हूँ वो ये है। तो मैंने क्या कॉल किया, ओबीजे डॉट चेक पासवर्ड, एंड उसमें मैंने माई पासवर्ड भेज दिया। अगर वो कहता है, देखो ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, अगर मेरा पासवर्ड जो उस फ्लैट का पासवर्ड है उसके साथ सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब इफ हिट होएगा, नहीं तो एल्स हिट होएगा, ठीक है। ठीक है, अगर मेरा पासवर्ड मैच होता है फ्लैट के पासवर्ड से तो मेरा इफ हिट होगा, वरना मेरा एल्स हिट होगा, ठीक है। अगर मेरा इफ हिट होता है तो सिंपल सा सीसो करा दो कि डोर इज ओपन, कि ना फ्लैट का डोर खुल चुका है, आप फ्लैट में एंटर कर सकते हो कि आपने सही पासवर्ड डाला था। बट अगर ऐसा नहीं होता, आपने गलत पासवर्ड डाल दिया, तो मैं चाहता हूं कि ना ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर दे। क्या एक्सेप्शन थ्रो करे, कि ना यार आपको पासवर्ड पता नहीं है, आप ना दरवाजा खोल नहीं सकते, ठीक है। मैंने कहा बट ऐसा एक्सेप्शन ना जावा में होता नहीं, अगर जावा में नहीं होता तो मेरे को खुद का बनाना पड़ेगा, अगर खुद का बनाना है तो देखो कैसे बना सकते हैं। यहां से ना मेरे को रिटर्न करना है न्यू थ्रो, मतलब रिटर्न नहीं, थ्रो करना है, एक्सेप्शन रिटर्न नहीं होता, एक्सेप्शन होता है थ्रो, मतलब एक्सेप्शन फेंका जाता है, थ्रो न्यू। अब न्यू के बाद देखो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट कौन बनाता था, जेवीएम, बट अब मैं ना अपना ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे को एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो पब्लिक क्लास
एक्सेप्शन यार किस टाइप का ऑब्जेक्ट तुम फेंकना चाहते हो, ठीक है ये बनाया। अब ना एक्सेप्शन में कुछ मैंने अभी बताया था कि कुछ एडवांटेजेस होते हैं, क्या कि वो स्टैक ट्रेस कर लेता है, स्टैक ट्रेस के बाद वो और मल्टीपल मतलब किस टाइप का एरर है, ठीक है वो सारी चीजें वो खुद ही हैंडल करता है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो इसमें कौन हैंडल करती है, वो करती है रन टाइम क्लास। रन टाइम एक्सेप्शन नाम की क्लास होती है, वो ना ये सब हैंडल करती है, क्या कि स्टैक ट्रेस किस लाइन पे एरर आया था, कौन सा एरर आया था, जो भी मैसेज प्रिंट कराना है वो, ठीक है ये सब कौन हैंडल करती है ये। तो ना मैं खुद इसको कोड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ये सारे फीचर्स ना मेरे को मिल जाए, तो मैं किस क्लास को एक्सटेंड कर लूंगा, रन टाइम एक्सेप्शन को, ठीक है। तो इससे जो भी उसके फीचर्स हैं वो मेरे को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ना रन टाइम एक्सेप्शन के लिए एक ना उसका कंस्ट्रक्टर होता है, क्या कंस्ट्रक्टर होता है उसके पास, कंस्ट्रक्टर होता है रन टाइम एक्सेप्शन, जिसमें आता है स्ट्रिंग मैसेज, स्ट्रिंग str। अब इस स्ट्रिंग का मतलब पता है क्या होता है, जब हमने 2x0 किया था तो ये लाइन आई थी एरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये जो ये स्ट्रिंग थी ये यही वाली स्ट्रिंग थी, अगर मेरे को इस स्ट्रिंग की जगह अपना मैसेज प्रिंट कराना है तो मेरे को रन टाइम एक्सेप्शन में अपना जो भी मेरे को मैसेज प्रिंट कराना है वो भेजना होगा। देखो कैसे, पब्लिक इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्ट बनेगा, तो एक्सेप्ट का कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें एक स्ट्रिंग आएगा मैसेज कि यार तुम्हें क्या प्रिंट कराना है। अब ये मैं तो प्रिंट कराऊंगा नहीं, कौन प्रिंट कराएगा, रन टाइम एक्सेप्शन। तो मैंने कॉल किया सुपर मैसेज के साथ, ठीक है। तो उसमें एक मेथड है जो मैं उसको मैसेज दूंगा वो उस मैसेज के साथ एक्सेप्शन प्रिंट करा देगा, एंड यहां से मैंने क्या रिटर्न किया देखो, एक्सेप्ट एंड मैसेज यू डोंट नो द पासवर्ड, यू डोंट नो द पासवर्ड, ठीक है ये मैसेज प्रिंट करा दिया। अब एक बार इसको देखते हैं ब्रीफली, ठीक है। देखो सबसे पहले काम क्या किया मैंने कि ना चेक किया क्या पासवर्ड इक्वल है, अगर पासवर्ड इक्वल नहीं है तो मैंने थ्रो का यूज किया, बट थ्रो के लिए एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो क्लास बनानी पड़ेगी, यहाँ पे बनाई क्लास। अब इस क्लास को ज्यादा काम ना करना पड़े इसीलिए मैंने किसके फीचर ले लिए, रन टाइम एक्सेप्शन, जो मेरे इनबिल्ट फीचर्स चलते हैं मैंने बहुत सारे फीचर्स वो ले लिए। अब उसमें ना एक कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें अगर मैं मैसेज पास करूंगा एंड अगर एक्सेप्शन आता है तो उस मैसेज के साथ जो भी एक्सेप्शन है वो उस मैसेज के साथ बस मैसेज ओवरराइड हो जाता है, ठीक है। एक बार इसको चलाते हैं, देखो देखो हाँ देखो, यू डोंट नो द पासवर्ड, इसने कहा कि ना आप पासवर्ड, इसको बना लेते हैं एक बार स्टैटिक, ठीक है। देखो एक्सेप्शन आया, ठीक है एक्सेप्शन आया, बट चेंज क्या हुआ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमने मैसेज लिखा कि यू डोंट नो दी पासवर्ड वो मैसेज आया, ठीक है, क्योंकि ये हमने बनाया था इसीलिए मैसेज भी हमें अपना डालना था, ठीक है ये। अब इसके बाद ना मैं चाहता था कि ना ये कोई और हैंडल करे, मेन हैंडल ना करे, देखो मैंने इसको यहाँ से किया हटाया, पब्लिक स्टैटिक void fun या फिर function one इसका नाम रख देते हैं, exactly जो काम पहले कर रहे थे वही, public static void fun two, ठीक है। मैंने कहा fun two में मेरा exception आएगा ये, है ना, एंड इसमें ये ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। fun one को कॉल किया obj के साथ, ठीक है, यहां से fun two को कॉल किया obj के साथ, यहाँ पे आ जाएगा ss flat obj, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, बस नीचे वाले फंक्शंस में उसको शिफ्ट कर दिया और कुछ स्पेशल नहीं किया, ठीक है obj, ठीक है। देखो अब मैंने कहा एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे, अब एक बार इसको प्रिंट कराते हैं, देखो अब देखो क्या चेंज हुआ। मैंने कहा कि ना मैंने रन टाइम क्लास का यूज क्यों किया था, वो स्टैक ट्रेस करती थी, देखो क्या हो रही है, देखो 23 लाइन पे एक्सेप्शन आया,
ये काम मैंने अपने क्लास में नहीं लिखा, ये कौन कर रहा है मेरे लिए, रन टाइम एक्सेप्शन वाली क्लास 23 एंड देन 15 देन 11, ठीक है, ये सब लाइंस में एक्सेप्शन थे, ठीक है, ये सब काम बस मैंने क्या किया, मैंने ये जो मैसेज था इस मैसेज को ओवरराइड कर दिया यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इसमें थ्रोज का क्या काम है, मैंने अभी थ्रोज नहीं लगाया, ध्यान से देखना, मैंने अभी थ्रोज नहीं लगाया एंड बिल्कुल बढ़िया चल गया, ठीक है। मैं चाहता था कि ना इस एक्सेप्शन को कोई ना कोई पक्का हैंडल करे, देखो इसने एक्सेप्शन दिया यहां गया, इसने एक्सेप्शन दिया यहां गया, मतलब लाइन नंबर 23 ने एक्सेप्शन 15 को दिया, 15 ने एक्सेप्शन 11 को दिया, 11 ने ध्यान से देखना एक्सेप्शन JVM को दिया। मैंने कहा मैं ये एक्सेप्शन JVM को नहीं देना चाहता था, मैं चाहता था ये कहीं ना कहीं हैंडल हो, ठीक है। अगर मेरे को ये हैंडल कंपलसरी बनाना था तो देखो मैं एक इंडिकेशन दे देता हूँ, क्या यहाँ पे लिख देता हूँ थ्रोज एक्सेप्शन, ठीक है। अब देखना एरर, एक बार इसको रन करते हैं, ठीक है, देखो इन्होंने एरर क्या कहा, इन्होंने कहा अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड। इसका मतलब क्या है कि ना यार, नीचे वाला पर्सन कह रहा है मैं तेरे पास कुछ चीज फेंक रहा हूं, तो तू उसको हैंडल नहीं कर रहा, ना तो तू उसको हैंडल कर रहा एंड ना ही तू उसको वापस थ्रो कर रहा, ये तो गलत बात है, तो यहां से करा देते हैं थ्रो, ठीक है, एंड ये बन जाएगा वापस से थ्रो। दो मेथड, या तो यहाँ पे ट्राई कैच लगाओ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लगाया यहाँ ट्राई एंड मैंने यहाँ पे लगाया कैच, ठीक है, कैच एक एक्सेप्शन लेगा ई नाम का, ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने इस को कर लिया हैंडल, ठीक है, हैंडल कर लिया, बिल्कुल बढ़िया चलेगा, देखो बस नीचे वाली लाइन चली एंड इसको मैंने ऊपर कर लिया था हैंडल, बढ़िया चला, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं मैं इसको यहां भी हैंडल ना करूं, मैं चाहता ही नहीं इसको हैंडल करना, मैं चाहता हूं ऊपर वाला कोई हैंडल करे, ठीक है, देखते हैं। मैं यहां पे क्या लिखूंगा, जो भी मेरे पास नीचे से आया उसको तो वापस से ऊपर थ्रो कर दे, एंड इस क्लास को कैसा बनाना पड़ेगा, थ्रोज एक्सेप्शन। मैं चाहता हूँ ये हैंडल ना करे, ऊपर वाला कर ले, ऊपर वाले पे ट्राई लगा दो, ट्राई एंड यहाँ पे आ जाएगा कैच, यहाँ पे आया एक्सेप्शन ई एंड यहाँ पे करा दिया तो ई। एक बार इसको चलाते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये थ्रो कीवर्ड थोड़ी नहीं, थ्रो कीवर्ड क्या करता है, थ्रो कीवर्ड मेरा ऑब्जेक्ट बना के फेंकने के काम आता है, बट ये तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट फेंक ही रहा है, ठीक है। अगर इसको एक्सेप्शन मिलता है तो ये किसको ऑब्जेक्ट देगा, फन वन को, एंड फन वन का ऑब्जेक्ट देगा ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करता हूँ तो वो बिल्कुल एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सेप्शन को कर लिया हैंडल। देखो हेलो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ प्रिंट हो गया हेलो, जो कि मैंने किसके बाद लिखा है, एक्सेप्शन के बाद लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसी को यहाँ लिखता सीसो फन टू, ये नहीं चलता, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने यहीं से जो मेरा ऑब्जेक्ट बना होगा उसको कर दिया होगा रिटर्न, ठीक है। सो ये था, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। थ्रो क्या करता है, एक यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट बनाता है एक्सेप्शन का, ठीक है। थ्रोज क्या करता है, थ्रोज ये इंडिकेशन देता है कि यार जो नीचे वाला पर्सन है ना वो कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, तुम रेडी रहो या तो उसको हैंडल करने के लिए या खुद के पास से भी एक एक्सेप्शन रिटर्न करने के लिए, ठीक है। सो ये था थ्रोज एंड थ्रोज, थ्रो एंड थ्रोज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।